कृष्ण और राधा रानी कि जो मनुष्य इस जन्म में सेवा करता है उसके हृदय में बहुत ज़्यादा प्रेम शांति का अनुभव होता है। आप इनके दीपक में अद्भुत दर्शन कर पाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि राधा रानी बहुत ही कोमल हृदय की मानी जाती हैं। उनका नाम लेने मात्र से आपके पुण्य जागृत होने शुरू हो जाते हैं। अगर इस दीपक को हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें बहुत सुंदर एक नाग की भी छवि है, नीचे अलग रूप में दो बड़े बड़े हृदय से भी दिखाई दे रहे हैं, ये देखो आप, और अलग से नीचे जैसे जीभ बनी हुई है, क्योंकि राधा रानी का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। कई व्यक्ति पूछते हैं कि वो काना रखते हैं तो क्या उन्हें राधा रानी लानी चाहिए। ये भावना आपके मन में स्वयं लाला जी अपने आप उत्पन्न कर देते हैं। आपने देखा इनके दीपक में लौंग इलायची इन्होंने डाल रखी है। लौंग और इलायची का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अगर आप दीपक में लौंग इलायची फूल इत्र आदि चढ़ाती हैं तो उस देवता को वो सीधे भोग प्राप्त होता है। देवता कई तरह के से भोग लेते हैं, खुशबू के द्वारा भी उनको भोग प्राप्त होता है और अग्नि के द्वारा तो सीधा आहार प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति दीपक में लौंग डालता है आसपास वातावरण तो शुद्ध होता ही है, उसके घर की ओरा भी बहुत उत्तम हो जाती है। लौंग बहुत शक्तिशाली है, हर घर में लौंग होनी चाहिए, आपकी रसोई में भी लौंग होनी चाहिए। कहते हैं कि रसोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों उत्पन्न हो सकती है, तो हल्दी लौंग ये चीज़ें आपकी रसोई में भी होनी चाहिए, आपके मंदिर में भी होनी चाहिए। हमारे पूर्वज सदैव हल्दी की गाँठें रखते थे, लौंग रखते थे, बड़ी इलायची रखते थे, छोटी इलायची रखते थे, बहुत सारे मसालों को वो प्रयोग करते थे, तंत्र में भी, मंत्र में भी, पूजा में भी, भोजन में भी। उनका बहुत ही उत्तम प्रभाव माना जाता था। और आज का जो युग है इसमें मनुष्य को समय का अभाव है, इसलिए वो दीपक में ही बहुत सारी चीज़ें अर्पित करने की कोशिश करता है अपने प्रभु को। आप इनके घर में बहुत सुंदर आभा देख रहे हैं। जब भी हम किसी के घर के मंदिर का दर्शन करते हैं हमें बहुत खुशी होती है, हमें ऐसे लगता है कि दूर दूर से प्रभु हमसे मिलने आ रहे हैं। अगर आपको भी ये वीडियो देखकर ऐसा लगे तो राधे राधे ज़रूर लिखना, क्योंकि कृष्ण तो राधे राधे से बहुत खुश होते हैं। राधा राधा नाम का जाप करने से आपको वो मोती प्राप्त होता है जो प्रेम का वो किसी भी धन से या किसी चीज़ से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इनकी आकृति बहुत अच्छी है, मंदिर बहुत अच्छा है। मंदिर में दो चीज़ें प्रमुख होनी चाहिए, देवता का सुंदर सा श्रृंगार और साफ सफाई। आप इनके देवताओं की देख ही सकते हो कितना सुंदर रूप और बहुत ही प्यारी तरह से आंखें भी बना रखी हैं, सब कुछ। देखो मैंने कहा कि देवताओं की आंखें प्रमुख होती हैं। इनके कान्हा जी और राधा रानी बेशक छोटे छोटे हैं पर इतनी सुंदर आंखें हैं, उनको देखकर मन खुश हो जाता है। और दीपक में भी आकृति कितनी उत्तम है, हर चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और आपको लगता है आपका मंदिर सुंदर नहीं है तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, आप अपने मंदिर को धीरे धीरे व्यवस्थित करना सीख लो, धीरे धीरे हो जाएगा।
इससे मन में कोई भी बोझ उत्पन्न ना करें कि आप मेरी वीडियो देखें और कहें जी हमारा मंदिर में ऐसा नहीं है, हम क्या करें। कोई डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे प्रभु भी आप पर कृपा करेंगे, आपके दीपक में भी आकृति बनेंगे, आपका मंदिर भी बहुत चमकेगा, आपकी ओरा भी, आपका मुखमंडल भी। प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलो राधे राधे, राधे राधे।